प्रश्नावली 10.2। 10.2 में कुछ बना है? कितना तक बना है बोलो, आठ बताएं, आठ नंबर क्या है देखिए। अच्छा, आठ के ऊपर कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, आठ के ऊपर किसी को पूछना है? आठ के ऊपर भागो नहीं, आठ के ऊपर कौन नंबर बताएं? वही ना पूछना है, आठ के ऊपर कौन बताएं? चार नंबर। देखिए चार नंबर है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i + 3j कितना कह रहा है, 2i + 3j xi + yj के समान हो, माने बराबर हो। xi + yj ये तो सबसे आसान है, तुलना कर दीजिए दोनों पक्ष का, i वाला i के बराबर, x = 2 y = 3 हो गया तुलना करने पर। अरे तो दोनों सदिश बराबर हैं, तो सदिश बराबर तभी ना होंगे जब x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, तो बराबर है। पांचवा देखिए, समझ में आ रहा है? पांचवा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 और अंतिम बिंदु -5, 7 है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अदिश एवं सदिश घटक, तो पहले सदिश को बनाइए कि सदिश कितना हो रहा है। तो सदिश का प्रारंभिक बिंदु कौन है बताइए? प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है, 2, 1 और अंतिम बिंदु -5, 7 अंतिम बिंदु -5, 7 यही ना दो है, यहाँ ध्यान समझ, चित्र में समझिए, ये प्रारंभिक बिंदु, ये क्या हो गया अंतिम बिंदु, तो यहीं से ना सदिश बनेगा। तो ये आपका है 2, 1 तीसरा 0 याद है, 2, 1 आई जे के होता है ना, तो आई जे तक दिया है, के नहीं दिया है, तो के नहीं दिया तो क्या है, 0 है, तो मन करे तो 0 लिखे, नहीं तो छोड़ दीजिए 2, 1 -5, 7। ये बताइए अगर इसको हम प्रारंभिक बिंदु को ए माने, अंतिम बिंदु को बी माने, तो सदिश बनेगा ये भी बनेगा, तो कितना होगा सदिश ये भी, याद है कैसे बनाए थे? -5 ये भी बना रहे ना, बी में से घटाएंगे तो -5 - 2i + 7 में से कितना घटेगा 1, 7 - 1 j कोई दिक्कत इसमें? तो -7i + 6j इसमें कौन इसका सदिश रूप है, मतलब सदिश घटक कौन है, अदिश घटक कौन है, जो अंक होता है वो अदिश घटक होता है, जो आई जे के होता है वो सदिश घटक होता है। आई जे के ही तो बताता है ना कि x अक्ष के दिशा में है, जे बताता है कि वाई अक्ष की दिशा में है, के बताता है कि जेड अक्ष के दिशा में है, के अक्ष के दिशा में है, जेड अक्ष के दिशा में है, और -7 उसके परिमाण को बता रहा है, तो ये इसका अदिश घटक हो गया, और आई जे के क्या हो गया, सदिश घटक हो गया, समझ रहे हैं? लिख लेंगे ना इसको, हम मिटाते चल रहे इसमें, इसको क्या लिखना है, समझते जाइए, कुल मिला के बनाना ही पड़ेगा। अब देखो 7 नंबर तो हो जाना चाहिए, ए दे रहा है आई जे प्लस 2k, 7 नंबर है वेक्टर a = i + j + 2k दे रहा है, कह रहा है कि इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश लिखिए। मात्रक सदिश का सूत्र एक लिखाए थे, तो पहले इसका माड निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगा ना इसका, माड कैसे निकालेंगे, माड कैसे निकालेंगे बोलो, रूट में 1 का स्क्वायर, 1 कहाँ से आया है, इसका 1 है, उसके बाद प्लस 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 ठीक है यो? तो इसका लिखेंगे, अतः मात्रक सदिश लिखना है ना, किसका मात्रक सदिश लिखना है, ए का, तो ए आ कैप लिख दीजिए, हो गया मात्रक सदिश, कैप पहचान किसका है आना, तो लिखिए ए का मात्रक सदिश बराबर, बात एक ही है,
चाहे ए का मात्रक सदिश लिखिए और चाहे ए कैप लिख देंगे हो जाएगा। तो ए कैप इक्वल टू कितना होता है, वन बाई माड ए और उसके बाद वेक्टर ए, सारणिक, सारणिक मन पर रहा है, अब सारणिक नहीं कहेंगे, तो वन बाई ठीक है रूट सिक्स आ ए के बदले में आई प्लस जे प्लस टू के, तो ये हो जाएगा वन बाई रूट सिक्स आई प्लस वन बाई रूट सिक्स जे, गुणा कर दे रहे हैं अब प्लस टू बाई रूट सिक्स के। अब पूछें कि बताइए दिक कोसाइन इसमें का, वन बाई रूट सिक्स, वन बाई रूट सिक्स, टू बाई रूट सिक्स हो गया दिक कोसाइन, समझ रहे हैं नहीं, यहाँ से दिक कोसाइन भी हो सकता है, ये हम लोग का मात्रक सदिश हो गया। अब कैसे जानेंगे कि ये मात्रक सदिश है, इसका मान निकालिए, देखिए वन आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन करके देख लीजिए रूट में आई के जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर, तो वन बाई रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई सिक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी वन बाई सिक्स हो जाएगा, फोर बाई सिक्स होगा, स्क्वायर करेंगे दो का स्क्वायर चार ना होगा, फोर बाई सिक्स नीचे बराबर चार एक पाँच एक छः, छः बटा छः कट के वन, वन का वर्गमूल वन, लिखिए इसको लिख लीजिए। हाँ कैसे दिखाओ जी, कहाँ बनाए हो, सात नंबर ठीक है तभी वो सही है, अरे ना ठीक है ठीक है, लेकिन लिखे गलत हो आगे, लास्ट में जो लिखे हो ना यहाँ एक कैप लिखना चाहिए, कैलकुलेशन सही है, मार्ड सही है, लास्ट में तुम इतना बराबर इतना लिखे हो, बराबर थोड़ी है, देखो लास्ट में हटा दो बस, अरे भाई इतना बराबर देख के ना तुम यह लिखे हो, तो भाई बराबर है इसके बैल जैसा बतियारा, आई प्लस जे प्लस टू के, तो इतना बराबर तुम इसको लिखे हो, वन बाई रूट सिक्स आई प्लस वन बाई रूट सिक्स जे कैप प्लस टू बाई रूट सिक्स, भाई दोनों बराबर है, हम तो मात्रक से इसमें निकाल रहे हैं, ये जो ये कैप रहेगा, कह रहा है आठ नंबर क्वेश्चन कि सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले सदिश पी क्यू निकालो, तो पी क्यू निकालने के लिए दे तो रहा है कि पी और क्यू का निर्देशांक दे रहा है, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक कितना दे रहा है, वन टू थ्री, और क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक दे रहा है फोर फाइव सिक्स, तो वेक्टर तो पी क्यू आराम से बना सकते हैं, क्यू वाला में से पी वाला घटा देंगे, घटाइए चार में से गया तो थ्री आई प्लस फाइव में से टू गया तो थ्री जे आ प्लस थ्री के, कोई दिक्कत इसमें, तो सदिश मिल गया। अब इसी का हमको क्या बताना है, इसी का बनाना है मात्रक सदिश, तो पहले इसका मांड निकालेंगे, मांड निकालेंगे, मांड निकालेंगे तो तीन का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर होगा, तीन तरीका नौ, नौ नौ सताईस होगा, ये तो थ्री रूट थ्री हो जाता है, होता है थ्री रूट थ्री, जब इसका मांड निकल गया तो लिखेंगे पी क्यू, अभी कैप ना निकल रहा है मात्रक सदिश, तो तरीका तो पता ही है, वन बाई जिसका निकालना हो तो उसी का मान आ तब उस वह सदिश में गुणा कर देते हैं, तो वन बाई थ्री रूट थ्री, और क्या निकला है थ्री आई थ्री जे प्लस थ्री के, जब हम गुणा करेंगे तीन से तीन कटता जाएगा, वन बाई रूट थ्री आई प्लस वन बाई रूट थ्री जे प्लस वन बाई रूट थ्री के, समझ में आया, मात्रक सदिश निकालना है तो पहले सदिश को बनाइए और तब उसका मात्रक बनाना है, तो मात्रक बनाने के लिए प्रोसेस तो पता ही है, पिछला सवाल इसी पर हुआ था, बुझा मिला दे जी, घर आओ थोड़ा बनाओ तुम लोग, नौ नंबर कह रहा है कि दिए हुए सदिशों ए वेक्टर ए कितना दे रहा है, नौ नंबर वेक्टर ए इक्वल टू दे रहा है टू आई माइनस जे प्लस टू के,
और एक दे रहा है वेक्टर बी, कितना दे रहा है? माइनस आई प्लस जे। अब क्या कह रहा है? कह रहा है के लिए वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। फिर तो कह रहा है कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो किसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है? ए प्लस बी का। तो पहले ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी निकालेंगे तो कितना होगा? जोड़िए जोड़िए जोड़िए, आई वाला आई में जुड़ेगा ना, केवल आई होगा। अच्छा जे जे कट जाएगा, छोड़ दें छोड़ दें इसको, आइए केवल के होगा, बस बस यही होगा। अब इसका माड निकाल देंगे, क्योंकि मात्रक सदिश में ज्ञात करना है। माड निकालेंगे तो वन स्क्वायर प्लस यही होगा। अब इसी का ए प्लस बी, इसका क्या निकालना है? कैप निकालना है ना, समझ रहे हैं? लेकिन ये ऐसे लिख देंगे क्योंकि दोनों मिलके एगो सदिश है, और उसका कैप निकालना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा वन बाई ए प्लस बी, और तब ए प्लस बी, यही ना काम कर रहे हैं बार बार, हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? वन बाई रूट टू, आई हो जाएगा आई प्लस के है, आई प्लस के, तो वन बाई रूट टू आई और प्लस वन बाई रूट टू के हो गया। लिखना चाहो तो लिख सकते इसको, सब आसान आसान है, सवाल को समझो थोड़ा सा, लिखो लिखो लिख लो इसको, सवालिए को थोड़ा एक बार दो बार पढ़ो उसको, तो जब दो बार पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ नया जरूर मिलेगा। सीआईडी वाले जांच करते हैं, कैसे जांच करते हैं? सीबीआई वाले जाते हैं, सब एक एक चीज़ को उठा उठा देखते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे तो उनको वो मिल जाता है जो कोई नहीं देखता है। ध्यानपूर्वक कई बार एक जगह जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर मिलवे करेगा, अगर कोई घटना हुआ है तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमारे यहाँ अशोक भगत के वाइफ जल के मरी थी, तो जांच हुआ ना, ये कोई घर में बार बार चेक हो रहा था, बार बार चेक हो रहा था, तो फोटो के पीछे मोबाइल निकला शायद, फोटो जो फोटो होता है ना लगाते हैं, फोटो हुआ के पीछे मोबाइल था, नहीं वो कहीं बात करती थी, ऐसा उनके घर के लोग बता रहे थे। तो बार बार जब जांच करेंगे पड़ताल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो, अगर वास्तव में कुछ है तो कुछ ना मिल ही जाएगा वहाँ पे। सीआईडी वाले नहीं लिए, घर वाले लोग निकाले मेरे लिए, तो अब उनको ठीक करते। हाँ तो अब पता नहीं ये झूठ है कि सही है, जो भी है, लेकिन ये लोग बता रहे थे कि मोबाइल निकला था। उस अशोकों में कोई समस्या नहीं था, अशोक उतना आदमी नहीं है ना कि महिला को टॉर्चर कर सकता है। अशोक को दिन भर लड़के टॉर्चर करते हैं, देखते हो अशोक को, अशोक महिला को टॉर्चर कर सकता है? नहीं कर सकता है, दूसरा कोई बात होगा भले। तो उसका हस्बैंड अभी है जेल में, लेकिन दोषी उसी को बनाया जाता है ना कि भाई अगर महिला के साथ कुछ हो रहा है तो ये कहाँ था कि आपको वो लड़के हैं उसके मुना के दोरिया पर हिलेगा नहीं, होगा गति होगा तो मैं हिलवे करेगा, मैं कौन बड़ा बात है। तो इस मामला में ढंग से फूंका जाता है। अरे जल गया, बवाल खत्म करो, जल्दी हटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर हो जाएगा।
हो ही गया। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 5 5 - j और प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो हम एक चीज़ उपाय बता दे रहे हैं, सबसे सिंपल उपाय क्या करो कि इसका इसके अनुदिश एक पहले मात्रक सदिश ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? और जब मात्रक सदिश ज्ञात कर लो तो मैं 8 से गुणा कर देना, हो जाएगा उत्तर। बस हाँ, मात्रक सदिश ज्ञात करें तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मात्रक सदिश का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो हमको ऐसा सदिश चाहिए जिसका मान 1 नहीं हो, 8 हो। उसमें क्या कर देना? 8 से गुणा कर देना, हो जाएगा। बना लेना, एकदम आसान सवाल है। आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि 2i - 3j प्लस 4k और -4i + 6j - 8k संरेख है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पढ़े हैं पहले से। दो सदिश हैं, एक को ये मान लीजिए, ये बात नहीं करो, ए मान लो, ये 2i - 3j + 4k और b = -4i + 6j - 8k। ये दोनों संरेख हैं। अच्छा, जब दोनों संरेख हैं मतलब एक ही रेखा में होंगे, तो जब एक ही रेखा में होंगे तो कोण कितना बनाएंगे ये बताइए। 0 बनना चाहिए, नहीं तो 180 बनना चाहिए। या तो दोनों एक ही दिशा में होंगे, आ नहीं तो एगो उल्टा होगा एगो सीधा होगा, तो 180 बनाएगा ना। तो संरेख कह रहा है ना, तो सदिश है। संरेख का मतलब होता है कि दोनों एक ही रेखा में हो। दोनों कहाँ हो? उल्टा नहीं कह सकते हैं, उल्टा कहेंगे दिशा बदल जाएगा ना, एक इधर होगा एक इधर होगा। ठीक है, एक रेखा में होगा कहने के लिए हम कह सकते हैं कि एक रेखा में होगा। तो या तो कोण 0 आना चाहिए, नहीं तो कितना आना चाहिए? 180। या तो कोण 0 नहीं तो 180। देखते हैं कितना आ रहा है। 0 से 180 आ जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे? संरेख है, इसके बीच का कोण निकालें। देखिए कोण कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो कोण निकालने का तरीका। लिख लेते हैं कि माना इनके बीच का कोण थीटा है। अब कोई सूत्र पढ़े जिसमें थीटा आता हो, गुणा में थीटा आता था, या तो क्रॉस गुणन कीजिए नहीं तो कौन बढ़िया है? डॉट वाला अच्छा है। डॉट वाले से कोण निकालना होगा तो डॉट वाले से निकालिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माड ए माड बी, ये पता ही है, हाँ दोनों निकाल ही लेंगे। पक्षांतर करके थीटा का मान निकाल देंगे, और थीटा का मान निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कितने इसके बीच का कोण है। निकालते हैं, ए का मान रखिए 2i - 3j + 4k - 4i + 6j - 8k। समझ रहे हैं? तो देखिए अब बराबर इनका मान भी तो चाहिए, मान निकालिए। ए वाला मान ले 2² - 3² + 4² ये तो हुआ यह वाला माड ए। माड भी कितना होगा? -4² + 6² + -8² और तब ना इधर क्या है? कॉस थीटा है। गुणा कराइए 2 चौके -8 केवल हो गया, आई गुणा ई 1 होता है। आ 3 छके 18 -18 आ 4 8 -32 बराबर 4 9 9 4 13 आ 13 और 16 हो जाएगा 29। अंदर देखिए बाकी में 16 36 4 4 16 36 कितना होता है? 16 36 52 और 8 8 64 तो 52 और 64 4 2 6 116
और तब है कॉस थीटा। ये बताइए जो कितना होगा, माइनस आठ माइनस अठारह और माइनस बत्तीस, तो बत्तीस है अठारह, पचास आ पचास है आठ, माइनस अंठावन, पचास आठ हो गया माइनस। अच्छा इनका थोड़ा आपस में गुणा कर लीजिए, उनतीस और एक सौ सोलह का दोनों रूट में ना है, तो उनतीस गुणे एक सौ सोलह आ तब क्या हो गया कॉस थीटा, तो माइनस अंठावन। इसका एक सौ सोलह का गुणनखंड हो सकता है क्या, अंठावन दुना होता है क्या जी, अंठावन दुना एक सौ सोलह होता है, अंठावन दुना एक सौ सोलह नहीं समझे, अंठावन दुना एक सौ सोलह तो उनतीस आ गुणे है ये जो अंठावन है ना उसको उनतीस गुणे चार कर सकते हैं, एक सौ सोलह को देखो ना उनतीस गुणे चार हो जाएगा, होगा एक कॉस थीटा माइनस अंठावन, दो बार उनतीस के बदले में एक बार उनतीस आ चार के बदले में दो कॉस थीटा, समझ पा रहे हो, एक सौ सोलह को तोड़ दिए उनतीस गुणे चार जोड़ा बन गया, उनतीस बाहर चार का वर्गमूल दो गुणे दो जोड़ा बनेगा ना, दो बाहर उनतीस दुना अंठावन, अंठावन भेद चल जाएगा नीचे, माइनस अंठावन बटे प्लस अंठावन बराबर कॉस थीटा, समझ रहे हैं, कटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन, और कॉस में कितना का माइनस वन होता है, एक सौ अस्सी का होता है, जीरो का वन होता है, एक सौ अस्सी क्या हो जाता है माइनस वन, तो थीटा कितना हो गया, तो दो सदिशों के बीच में एक सौ अस्सी डिग्री का कोण है इसका मतलब संरेख है, तो कह सकते हैं कि अतः अतः सदिश कैसे हैं, संरेख है। हाँ और तरीका है, एक और छोटा सा तरीका है, पहले लिख लो, वो दो लाइन का तरीका ही है, उसको बता देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन और इसमें देखिए, इसी को अगर छोटा में चेक करना है कि ये संरेख है कि नहीं है। अच्छा प्रश्न दो तरीके से पूछ देता है, कभी कभी कहता है ना, जैसे कभी कभी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश लंब है, सिद्ध कीजिए दोनों सदिश क्या है एक दूसरे के लंब है, तो लंब वाले में केवल क्या करना है, बस ए डॉट बी निकालना है और जीरो दिखा देना है, ए डॉट बी निकालेगा जीरो हो जाएगा लंब हो गया। कैसे होता है देख लो, जैसे कह दे कि अगर यही कहता कि सिद्ध कीजिए कि ये लंब ये कितना है एक दूसरे के लंब है, तो लंब है इसका मतलब क्या है, इसका कोण नब्बे डिग्री ना होना चाहिए, तो माड ए कुछ भी आए माड बी कुछ भी आए जब कॉस नब्बे रख देंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, पूरा हो जाएगा क्या जीरो, तो नब्बे जब भी कहता है ना सिद्ध करने के लिए तो बस ए डॉट बी दिखा देते हैं जीरो करते हैं, जीरो आ जाता है, कहते हैं अतः एक दूसरे के क्या है लंब है, इतने तरीका हुआ। आ संरेख कह देगा तो संरेख में क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालते हैं, आई के गुणांकों का अनुपात, जे के गुणांकों का अनुपात और के गुणांकों का अनुपात, अनुपात निकाला जाता है, तो लिखेंगे उपरोक्त से, उपरोक्त से, उपरोक्त से टू बाई माइनस फोर, आई के गुणांक का अनुपात निकाला गया, जे के गुणांक का अनुपात माइनस थ्री बाई सिक्स, फोर बाई माइनस एट, क्या ये बराबर है, बराबर है, देखो देखो माइनस एक बटा दो, ये भी माइनस एक बटा दो, अरे कहीं से है ना माइनस, माइनस एक बटा दो, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है मतलब दोनों जो सदिश है वो क्या है संरेख है, तो इसको लिखते कैसे हैं इस तरह से, तो उपरोक्त से ये देखिए यह ए वन है यह बी वन है यह सी वन है, तो ए वन बाई ए वन बाई ए टू, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, तो ए वन बाई ए टू टू बाई माइनस फोर मतलब माइनस वन बाई टू, बी वन बाई बी टू माइनस थ्री बाई सिक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और सी वन बाई सी टू फोर बाई माइनस एट मतलब माइनस वन बाई टू, देख रहे हैं, तो चूंकि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू,
इसलिए सदिश कैसे हैं? संरेख हैं, सही है, संरेख हैं। ये छोटा है, हाँ यही यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और कौन बताएं, बोलो। अब देखो, 12 दिक कोसाइन क्यों बताएं? दिक कोसाइन हो नहीं जाएगा। 13 नंबर देखिए, बिंदु ए दे रहा है, बिंदु बी दे रहा है, आ तब करे कि इनको मिलाने वाले एवं ए बी के तरफ दिष्ट सदिश का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, बिंदु ए दे दिया और बिंदु बी दे दिया, ए हो गया यह बी हो गया। अब कह रहा है, आगे देखिए कि इनको मिलाने वाले एवं, इनको मिलाने वाला क्या है? बिंदु ए बी को मिलाने वाला ही ना है, ए बी वेक्टर क्या हो गया? ए बी, इनको मिलाने वाला वेक्टर ए बी हो गया। एक और कह रहा है कि इनकी तरफ दिष्ट सदिश मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो ए से बी के तरफ दिष्ट सदिश यही ना है ए बी, तीन के मिलाने वाला तथा ए से बी के तरफ दिष्ट है, होने जाएगा। अभी एक सवाल इस पर बनाए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें मात्रक सदिश ज्ञात करना था, इसमें दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक कोसाइन इसके बिंदु में से इसके बिंदु को घटा करके पहले ही निकाल लेंगे, आई जे के रूप में हो जाएगा, तब इसका मार्ड निकाल लेंगे, ये ना करेंगे जी, मार्ड निकालेंगे। और जब मार्ड निकाल लेंगे तब इसका गुणांक बटे इसका मार्ड, फिर इसका गुणांक इसका मार्ड, फिर इसका गुणांक मार्ड करके निकाल देंगे। चाहे सीधे सीधे मात्रक सदिश निकाल दो, उसका जो गुणांक आएगा वही क्या है? दिक कोसाइन है, सिंपल है, हो जाएगा। 13 नंबर, 13 हो गया। 14 देखिए, हो जाएगा, दर्शाइए कि i प्लस j प्लस के अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। दिक कोसाइन निकालिए, तीनों का दिक कोसाइन बराबर आएगा। दिक कोसाइन तीनों क्या आएगा? 1/√3 तो आएगा, देख लीजिए। तो जब दिक कोसाइन बराबर है, इसका मतलब क्या है? झुकाव भी क्या है? बराबर है, हो जाएगा। और दिक कोसाइन अलग अलग आता तो क्या है? झुकाव भी हमारा अलग अलग है। 15 हो जाएगा, 15 हम बताएंगे नहीं। P और Q है, दो सदिश हैं, आकर है कि इनको मिलाने वाले 2:1 के अनुपात में अंतः बाय विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, A दे दिया है, A मतलब P और B मतलब Q, M और N दिया है, M दे दिया है 2, N दे दिया है 1, मान रख के बना देंगे आए निकल जाएगा। सूत्र लिखा दिए हैं, अरे हो निकालना है, वेक्टर आर निकालना है, एम ए प्लस एन बी इस तरह से कुछ था, बट एम प्लस एन तो मान दिया ही है, एम का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए दिया है, बी दिया है, रखेंगे ही में गुणा करा के सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, एम प्लस एन नीचे जोड़ देंगे। बताया गया इसको बन जाएगा, ये आसान है, नहीं बनेगा तो देख लिया जाएगा, सब बना देना अब कुछ नहीं इसमें। 17 नंबर हो जाएगा, ए दे रहा है, बी दे रहा है, लिख रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनकी स्थिति सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, एक संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करने का मतलब क्या है? बीच का कोण कितना दिखाना है? मान लीजिए कि कोई तीन सदिश हैं और तीनों मिलकर के संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो बीच का कोण 90 डिग्री दिखा देना है ना, तब ना कहें कि समकोण त्रिभुज है। तो किसी दो को लेकर के गुणा कीजिए, चाहे ए डॉट बी निकालिए, चाहे बी डॉट सी निकालिए, और चाहे सी डॉट ए, किसी ना किसी एक का डॉट गुणन 0 जरूर होगा। आ 0 अगर हो गया तो समझिए कि बीच का कोण कितना है? 90 है, और जिसमें 90 डिग्री आ गया वो तो समकोण त्रिभुज होगा। हो जाएगा यह, चेक कर लेना। अरे सिद्ध क्या करना है,
सीधे यही करना है कि उनके डॉट गुणन को क्या कर देना है, जीरो दिखा देना है। तो जब जीरो दिखा देंगे तो कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90। तो एगो सदिश है, फिर एगो और सदिश है, फिर एगो और सदिश है, तो किसी मान लीजिए कि यह एक सदिश हो गया, एक यह हो गया, इनका गुणा करेंगे तो इनका डॉट गुणन कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना। मतलब इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। और जब 90 है तो किसका निर्माण कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है, बना लेना, खास नहीं कुछ नहीं। पूरा खत्म 10.2। कल शुरू करेंगे सदिशों का गुणनफल। गुणनफल में कुछ नहीं है, यही गुणनफल है, डॉट गुणन और क्रॉस गुणन, आगे भी बना के आएंगे। 10.3 में, 10.3 बना के आइए। हाँ, बंद कर।